नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघात समीकरण दी हुई है और इनके हल ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, 2x2 -5x+3 = 0। इनके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तभी इनके हल यानी एक्स के मान आएंगे। अब गुणनखंड कैसे करना है तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से समझें। पहला स्टेप तो ये है कि पहले पद और तीसरे पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो पहले पद और तीसरे पद का आपको गुणा कराना है। तो कराते हैं गुणा। पहला पद क्या है, 2x2 * तीसरा पद क्या है, 3। दोनों का गुणा कराओ, 3 × 6x2, यानी गुणा कराने पर 6x2 आना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो सेकंड पद है उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -5। तो पहले तो इसके टुकड़े करते हैं अपन, क्या 6 के ऐसे कौन से टुकड़े करें जिनको घटाने पर 5 आए या जोड़ने पर 5 आए। तो देखो, अगर आपको पता नहीं चले कि वो टुकड़े क्या होंगे तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, इनका अभाज्य गुणनखंड कराओ। यहाँ जो संख्या है 6, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 कितनी बार गया, 3 बार, 3 का 1 बार, तो इस प्रकार से 2 टुकड़े हुए हमारे पास में। अब देखो, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, जोड़ने पर भी यहाँ देखो माइनस का है आपके पास में। इसका मतलब है कि माइनस हो और जोड़ना हो, इसका मतलब दोनों क्या हो, माइनस के हो। तो ये 2 काम आपको याद रख रहे हैं, यानी इस 5 के जो है ऐसे 2 टुकड़े होंगे। क्या क्या टुकड़े होंगे, एक तो माइनस का 2x और एक माइनस का 3x। ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं आप, इसकी छूट है। 3x चाहो तो यहाँ लिखो, 2x चाहो तो पीछे लिखो, उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, उत्तर सही आएगा। ये हो गया, यानी 5 के हमने ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, -2x और -5x। अब क्या करना है, पहले पद और तीसरे पद को आपको वापस लिख देना है, 2x2 और +3 = 0। अब एक एक का ग्रुप बना, इसमें जो कॉमन आएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। देखो, 2x इसमें भी और 2x इसमें भी, तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1x तो बाहर आ गया, 1x अंदर बचेगा। फिर माइनस, ये पूरा ही बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 1 बचा। आगे जब माइनस का निशान हो तो कोष्टक में चिन्ह चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा कब होगा, जब बाहर माइनस हो तब होगा। 3 पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 = 0। अब दोनों ही पद में वापस देखो, ये गुणे में आ गए दोनों, तो इन इस पद और इस पद में x - 1 कॉमन है, तो x - 1 अब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x - 3 = 0। अब देखो ये किस प्रकार से, ये कह रहा है m · n = 0। अब ये कब संभव है, जब या तो m 0 हो या फिर n 0 हो, तभी इस पूरे का मान 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो इसी संदर्भ में हम इसको लेंगे कि या तो x - 1 = 0 या फिर 2x - 3 = 0। अब माइनस का 1 इधर है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = +1, और यहाँ 2x, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब एक तो मान आ गया x का 1, और दूसरा मान क्या हो जाएगा, x = 2/3, क्योंकि ये गुणे में है तो इस तरफ बट्टे में आएगा, यानी भाग में आएगा। तो हमारे पास 2 मान आ गए x के, यही आपके इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो ये हुआ पहला प्रश्न। अब लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, 9x2 - 3x - 2 = 0। पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा पहले पद और तीसरे पद का गुणा करना। तो पहला पद क्या है, 9x2 * तीसरा पद क्या है, -2, तो +(-) 9 × 18 x2। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो बीच का पद है -3x, उसको ऐसे 2 भागों में बांटना कि गुणा करने पर तो -18 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, -3 है। अब कब जुड़ेगा कब घटेगा, ये कौन तय करेगा, 18 तय करेगा। तो हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
तो दो का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। अब दो बड़ी संख्या है, उनको गुणा करा दो। तो देखो मुझे यहाँ 3 लाना है, तो 3 × 2 = 6, छोटी और बड़ी संख्या का गुणा करा दिया, और यहाँ कितना है 3। गुणा करने पर देखो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 6 में से 3 को घटाने पर कितना है, माइनस का 3 आए, या जोड़े तब कितना होता है, 9 हो जाता है। यहाँ अपने पास 9 है नहीं, इसका मतलब जुड़ेगा तो नहीं, घटेगा। अब घटने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। माइनस का 3 कब आ सकता है, जब ये 6 माइनस का और ये प्लस 3 प्लस का हो। तो यानी दो टुकड़े हुए हमारे पास, क्या क्या टुकड़े हुए, एक तो 6 माइनस का और एक प्लस 3 का, और इनके आगे क्या लगा दो आप, x। तभी तो गुणा करने पर क्या आएगा, 18x^2। समझ में आ गया। अब वापस वही पहला पद वापस लिख दो यहाँ, और तीसरा पद भी वापस लिख दो, बराबर 0। ये आपकी रफ कॉपी का काम है समझने के लिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब दो दो के जोड़े बनेंगे, पहला काम देखो, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 का पहाड़ा दोनों में कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, तो 3 और एक्स कॉमन आ गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 9 आया, 3 × 3 = 9, तो 3x अंदर बचा। देखो वापस गुणा कराने पर 9x^2 आएगा, 3 × 3 = 9, 9x^2। फिर यहाँ माइनस, 3 × 2 = 6, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 6 आएगा, x बार आ गया, इसका मतलब कॉमन क्या बचा, 3x - 2। फिर यहाँ प्लस है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 3x - 2 = 0। अब यहाँ दो पद है, पहला पद ये, दूसरा पद ये, दोनों गुणे में, इसका मतलब कॉमन क्या आ रहा है, 3x - 2, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3x + 1 = 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, या तो 3x - 2 = 0, या फिर 3x + 1 = 0। अब माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x + +2, x = 2/3, 1 हल तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हल क्या हो जाएगा, 3x = ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 और x - 1/3। तो हमारे पास दो हल होंगे, एक तो 2/3 और दूसरा हल होगा माइनस का 1/3। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूँगा उसी कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप से संपर्क करके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 3, √3x^2 +10x + √3 = 0। पहला काम क्या हो जाएगा, एक मिनट ये थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, √3x^2 +10x + √3 = 0। पहला काम, पहले पद और तीसरे पद का क्या कराना, गुणा कराना, √3x^2 × √3। अब गुणा देखो, √3 का √3 से गुणा कितना आ गया, 3 इंटू, फिर 7 का गुणा, फिर x^2, तो 7 × 3 = 21x^2, यानी गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 21 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले किसका जाएगा, 3 का भाग, 7 × 3 = 21, फिर 7 × 1। अब देखो जोड़ने पर 10 हो रहा है, गुणा कराने पर 21 हो रहा है, ठीक है, तो वो दो संख्या क्या क्या है, 3 और 7। तो इस दूसरे पद को हम 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x + 7x। अब दोनों प्लस के होने चाहिए, यानी ये भी प्लस का, क्योंकि जोड़ना है इसको, जोड़ने पर ही 10 हो रहा है, और जुड़ता कब है, जब दोनों प्लस के हो। पहला पद वापस लिख दो, √3x^2, और तीसरा पद 7√3 = 0। ये आपके रफ कॉपी का काम हो गया। अब इन दोनों पद को मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ देखो, √3x^2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 × √3x + 7x + √3 = 0। अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में,
देखो एक्स दोनों में और रूट तीन दोनों में, तो रूट तीन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस रूट तीन एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट तीन, फिर प्लस सात कॉमन आया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस और ये रूट तीन बराबर जीरो। अब एक्स प्लस रूट तीन दोनों में तो एक्स प्लस रूट तीन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो। अब या ये जीरो है या फिर ये जीरो है, तो एक बार तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो और या हो जाएगा रूट तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो। एक्स बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस के रूट तीन, एक तो पहला हल ये हो गया, दूसरा हल क्या हो जाएगा रूट तीन एक्स बराबर प्लस का सात उधर जाएगा तो माइनस के सात, ये गुणे में तो ये इसके नीचे चल जाएगा, एक्स बराबर माइनस के सात बट्टे रूट तीन, तो ये हमारा दूसरा हल हो जाएगा। अगर इसको और सरल करना आपको तो रूट हटाओ नीचे से, क्या करेंगे एक्स बराबर माइनस के सात बट्टे रूट तीन इंटू रूट तीन बट्टा रूट तीन, परिमेयकरण करेंगे, ये नवीं में आपने पढ़ा होगा, एक्स बराबर ये ऊपर हो जाएगा माइनस के सात रूट तीन बट्टा नीचे गुणा होकर कितना हो जाएगा तीन। तो दोनों ही सही है आपके पास, दो हल है इसके, पहला हल तो है माइनस रूट तीन और दूसरा हल है माइनस के सात रूट तीन। अब प्रश्न संख्या चार, ये प्रश्न अच्छा है, एक्स की घात दो माइनस आठ एक्स प्लस सोलह बराबर जीरो। यहाँ एक है, पहला काम क्या गुणा कराने पर तो कितना आना चाहिए सोलह आना चाहिए, और फिर सोलह के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि आठ आए, अब वो जोड़ने पर आए या घटाने पर वो आप अभाज्य गुणनखंड से कैसे पता करेंगे, भाई यहाँ प्लस है इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ प्लस है इसका मतलब जुड़ेंगे और यहाँ माइनस है इसका मतलब घटेंगे। अब जुड़ता कब है जब दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो, अब यहाँ माइनस है इसका मतलब दोनों माइनस के, पहले गुणनखंड करते हैं, दो का भाग गया आठ बार, फिर दो का गया चार बार, फिर दो का भाग गया दो बार और फिर ये एक बार। अब इनके टुकड़े देखो, इन दोनों का मैंने गुणा किया चार आया और चार आया, देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है आठ आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है सोलह आ रहा है, यानी इसके टुकड़े क्या क्या होंगे माइनस का चार एक्स और माइनस का चार एक्स। माइनस का क्यों, क्योंकि हमें जोड़ के कितना लाना है माइनस का आठ लाना है, ठीक है, फिर यहाँ प्लस का सोलह बराबर जीरो और यहाँ एक्स की घात दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स, यहाँ हो गया एक्स माइनस चार, ठीक है, और यहाँ माइनस है अंदर निशान चेंज होगा और देखो चार का पहाड़ है दोनों में इसलिए चार कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एक्स, फिर ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस इनटू के कारण होता है ऐसा, चार चौक सोलह बराबर जीरो। अब दोनों में ही कॉमन क्या है एक्स माइनस चार और यहाँ क्या बचा एक्स माइनस चार बराबर जीरो, तो या तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो या फिर एक्स माइनस चार बराबर जीरो, तो एक्स बराबर दोनों में ही मुझे क्या मिलेगा चार ही मिलेगा, तो ये इसके दो हल हो जाएंगे प्लस का चार और प्लस का चार। तो ये हुआ प्रश्न संख्या चार, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद, गुड नाइट।